रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत है उसके लिए कुछ ऐसी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पण किया है जो बेहद महत्वपूर्ण है दिल्ली के उन इलाकों के लिए जहां कनेक्टिविटी बड़ा मसला है। मसलन द्वारका एक्सप्रेसवे जहां से शुरू होता है इस पूरे इलाके में पहले ही काम चल रहा है और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को दरअसल जो मेट्रो लाइन है एयरपोर्ट की उसके एक्सटेंशन जो विंग है उसको लोकार्पण किया है और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण परियोजना ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिसका नाम यशोभूमि दिया गया है। बाहर के इस इलाके को आप देखें इसी से पता चलता है द्वारका का ये इलाका जो आमतौर पर दिल्ली का बाहरी हिस्सा माना जाता था लेकिन इसको अब आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम वो यहाँ आयोजित जैसे आपने देखा डिफेंस एक्सपो होता है ट्रेड फेयर होते थे ये प्रगति मैदान पे और वहाँ जैसे मंडपम बना है भव्यता में उससे कम नहीं है। तो आप बाहर की सजावट देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये सब कुछ और यहीं से प्रधानमंत्री जब आए तो मेट्रो होते हुए उस नए हिस्से से और उसके बाद इसका उद्घाटन किया गया है डेडिकेशन टू द नेशन ऑफ यशोभूमि। तो यशोभूमि के अंदर व्यवस्थाएँ क्या क्या हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये जो कन्वेंशनल सेंटर है ऑटोमेटिक दरवाजे हैं जैसे ये दरवाजे खुलते हैं आप अंदर आते हैं तो ये एग्जीबिशन हॉल है यानी हजारों लोग यहाँ पर अलग अलग जिस तरह के कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। मतलब यहाँ बहुत बड़े एग्जीबिशन हो सकते हैं जो डिफेंस के एक्सपो होते हैं उस तरह की चीज़ें यहाँ हो सकती हैं प्रदर्शनी लगाई जा सकती है हुनर हाट यानी बहुत बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अगर कोई कार्यक्रम वहाँ पे दिखे कि किस तरह की सजावट है किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो लाइटिंग हो बाहरी हिस्सा हो अंदर का डिज़ाइन हो और एक बार अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हों। इन तमाम यहाँ पर देखिए LED डिस्प्ले लगा हुआ है इस इलाके में यानी अगर कोई कार्यक्रम यहाँ हो रहा है तो उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी दिखाई देगी। फिलहाल इस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। इसके ठीक ऊपर आप जो देख रहे हैं ये एस्केलेटर है ये स्वचालित सीढ़ियाँ हैं जो पूरा फ्लोर आपको ऊपर ले जाएगी। आप देखिए जिस रास्ते प्रधानमंत्री मोदी आए हैं दरअसल एयरपोर्ट एक्सटेंशन मेट्रो का जो हिस्सा है वो यहाँ से है ये है दिल्ली मेट्रो यानी एयरपोर्ट लाइन की जो मेट्रो है यहाँ से जब आप अंदर जाते हैं यानी अगर सीधे किसी को इस कन्वेंशन सेंटर पर आना है तो वो दिल्ली मेट्रो से होते हुए आ सकता है। यहाँ पर है कॉनकोर्स ये हिस्सा दिल्ली मेट्रो का है एयरपोर्ट लाइन की ओर जाता है। अब चूंकि दिल्ली मेट्रो की जो रफ्तार है वो भी बढ़ा दी गई है तो आने जाने में जो समय है द्वारका के सेक्टर 25 जिसको कि अब यशोभूमि मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा आप इस रास्ते जा सकते हैं अब उसमें भी समय बचेगा। लेकिन इस कन्वेंशनल सेंटर पर आने के लिए मेट्रो भी देखिए यहाँ पर आपको स्वचालित गाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं बैटरी चालित गाड़ियाँ हैं जो यहाँ ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी यहाँ से जो आएंगे उनको मेट्रो कितनी दूरी है लगभग 700 मीटर करीब होगा 700 मीटर। तो ये किन के लिए है ये सेवाएं ये सबके लिए है सर। अच्छा यानी कन्वेंशनल सेंटर से मेट्रो स्टेशन 700 मीटर की दूरी पर उनको यहाँ ये पहुँचाया जा सकता है। देखिए मेट्रो स्टेशन से जब आप इस एक्सपो तक आएंगे यहाँ पर इस कन्वेंशन सेंटर तक आएंगे तो आपको यहाँ पर बैटरी चालित गाड़ियाँ मिलेंगी। अब आगे मेट्रो का हिस्सा है मेट्रो से यहाँ लिए चलते हैं आपको प्रदर्शनी हॉल की तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर वो कैसा दिखता है क्या क्या तैयारियां यहाँ पर होंगी देखने के लिए क्या होगा। लेकिन एक बार चूंकि गाड़ी जा रही है तो सबसे पहले आपको उस मेट्रो स्टेशन को भी दिखाते हैं जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब इस बैटरी चालित गाड़ी पर सवार होकर के हम जो एक्सपो सेंटर है कन्वेंशन सेंटर है या एग्जीबिशन हॉल है वहाँ से होते हुए सेक्टर 25 के उस नवनिर्मित मेट्रो स्टेशन की ओर जा रहे हैं। एयरपोर्ट लाइन की जो मेट्रो स्टेशन है द्वारका से अब उसको जोड़ा गया है तो आप देखिए कि रास्ते भर की सजावट है जाहिर है जैसे दिल्ली मेट्रो की व्यवस्था होती है बिल्कुल उसी तरह है और एक लंबा रास्ता और इसीलिए एक व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है कि अगर आप सेक्टर 25 पर उतरते हैं तो उन आगंतुकों को अगर इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन देखिए जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इन सब के लिए इस तरह की गाड़ियों की व्यवस्था की गई है जो इसका लुत्फ उठा सकते हैं और यहां से सीधा जो है। तो मैम आप भी एग्जीबिशन में आई थी यहां पर? सर मेरी ड्यूटी थी यहां पर। यहां ड्यूटी थी? हां जी। कैसा लगा ये पूरा अनुभव मेट्रो से लेकर के एग्जीबिशन हॉल तक? बहुत अच्छा लगा सर। सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? सबसे अच्छा तो ये 1.5 किलोमीटर की टनल है कुल तो ये यहाँ पे बुगे की सुविधा है कि वहाँ से। एग्जीबिशन हॉल में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सब कुछ काफी अच्छा था सर। जाहिर है लोगों के लिए अब ये पहला दिन था जब बहुत सारे लोग आए हुए थे जो यहाँ पर ड्यूटी पर भी थे जब उन्हें भी चीज़ें पसंद आती हैं और जब ये लोगों के लिए खुल जाएगा
यानी जब इसमें लोग आने लगेंगे और खासकर बड़े बड़े एग्जीबिशन, बड़े बड़े एक्सपो होंगे। अब तक इस तरह दरअसल आकर्षण का केंद्र सिर्फ और सिर्फ प्रगति मैदान हुआ करता था और वहाँ पर भी हजारों की भीड़ आती थी। इसकी जो क्षमता है वो इतनी ज़्यादा है कि प्रगति मैदान का जिस स्तर पर आयोजन होता था उससे बड़ा आयोजन यहाँ पर हो सकता है। और चूंकि पूरी तरह से इंडोर है तो किसी भी मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में इस तरह का आयोजन हो सकता है। साथ ही यहाँ की सबसे जो खास बात होगी, एक तो इसकी कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, चूंकि अब वो दिल्ली को देश के दूसरे राज्यों से द्रुत गति से जोड़ेगा। और अब हम पहुंच गए हैं दरअसल सेक्टर 25 के उस मेट्रो पे और आपको लिए चलते हैं मेट्रो के पास। जब हम आगे जाएंगे, देखिए ये मेट्रो का स्टाफ है और उनके लिए भी अच्छा मौका, आखिरकार इसको इसकी शुरुआत हो गई है। और यहाँ से रास्ता जो है मेट्रो का है जो कि एयरपोर्ट के लिए और दिल्ली के दूसरे मार्ग पर, आपको नई दिल्ली से शुरुआत होकर के अब आप यहाँ तक सीधे आ सकते हैं, यानी यहाँ से आप सीधे नई दिल्ली पहुँच सकते हैं। ये एस्केलेटर आमतौर पर जैसे मेट्रो स्टेशन होते हैं बिल्कुल वही बनावट, बिल्कुल सब कुछ उसी तरह। आगे कॉन्कोर्स है, वहाँ टिकट आप ले पाएंगे और टिकट के साथ साथ फिर आप आगे अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। जो जो एक्सटेंशन पॉइंट है वहाँ आप अपने वहाँ से आप बदल करके अपने गंतव्यों तक जा सकते हैं। ये आगे पूरा मेट्रो स्टेशन का हिस्सा। यहाँ पर देखिए इस स्ट्रेच पर भी बैटरी कार का इंतज़ाम किया गया है ताकि लोगों को वो सुविधाएं मिल सके, खासकर जो दिव्यांग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा चलना ना पड़े, इसके लिए खास यहाँ पर बैटरी चालित जो गाड़ी है उसकी व्यवस्था की गई, जो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और हम सेक्टर 25 के उस यशोभूमि मेट्रो स्टेशन पर हैं। ये रास्ता जो है आपको सीधे नई दिल्ली की ओर ले जाएगा। नई दिल्ली के पास भी एक्सटेंशन पॉइंट्स हैं जहां से आप अपने आगे के गंतव्यों के लिए ट्रेन बदल सकते हैं। और ये आखिरी स्टॉप होगा, यानी एयरपोर्ट लाइन पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो मेट्रो का आखिरी स्टॉप है। अब जिस तरह की सजावट आप देख रहे हैं, जाहिर है नया रेलवे से नया मेट्रो स्टेशन है तो उसी तरह की तैयारियां हैं। आगे लिए चलते हैं और यशोभूमि जो मेट्रो स्टेशन है उसके बाद ये एक लंबा स्ट्रेच है। आपको यहाँ सिक्योरिटी पॉइंट मिलेंगे और जैसे ही आप आगे निकलते हैं एक लंबा स्ट्रेच, यानी कई हिस्सों में आप समझिए कि हम ज़मीन के काफ़ी नीचे हैं और इसीलिए अब जो ये लंबा टेरेन है चलने के लिए तो लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था हर जगह है, लेकिन बीच बीच में आपको इस तरह की गाड़ियों की व्यवस्था की गई है बुज़ुर्गों के लिए या दिव्यांग जन हो, ताकि उन्हें ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, क्योंकि एग्जीबिशन हॉल तक का जो पूरा रास्ता है वो लगभग 1 किलोमीटर है। तो ये जो पूरा रास्ता है कितना लंबा है सर? ये कम से 1 से 1.25 किलोमीटर है। यानी पैदल चलना हो अगर मेट्रो से निकल करके एग्जीबिशन हॉल तक जाना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा है सर, पैदल चलना सही नहीं, मतलब बहुत स्टेप है, वो दूरी है। लगभग कितनी गाड़ियां इस तरह में, ये इस तरह की व्यवस्था है अभी? सर इस टाइम प्रेजेंट में 8-9 गाड़ी चल रही है। यानी ये मेट्रो अगर पूरी तरह से शुरू हो जाता है तो लोगों के लिए पर्याप्त होगी? बहुत बढ़िया रहेगा लोगों के लिए। सबसे ज्यादा किसके लिए मददगार साबित होगी ये? सर ये कहिए आम जनता के लिए सुविधाओं के लिए, उनको थोड़ा ओल्ड सर्जन है, किसी को बीमार है तो उन्हें जा सकता है आराम से, और बुजुर्ग है, महिला है, बड़े स्टेप तो आराम से जा सकते हैं, ये सुविधा अच्छी है। कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग क्योंकि अभी काम में जुटे हुए हैं तो आप लोगों को एग्जीबिशन सेंटर कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा ये। बहुत खास क्या लगा? सर यहाँ की सफाई और व्यवस्था, साफ सफाई सब चीज़ बेस्ट है, एकदम सब अच्छा, क्लीन विलीन एकदम ओके है। साफ सफाई ज्यादा है? बहुत ज्यादा साफ सफाई है बिल्कुल। आपको लग रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कुछ बना हुआ है? बिल्कुल सर, ये मतलब ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे बिल्कुल उसी में दर्शाया है, जैसे विदेशों में होता है वैसी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी दर्शाई गई है। जैसे देखिए इस रास्ते पर हम जा रहे हैं, हमारे कैमरामैन आगे की गाड़ी में है और जो पीछे मेरे देख रहे हैं आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि ये किसी और ही देश की तस्वीर है जो आपको यहाँ पर इस समय दिल्ली में दिखाई दे रही है। और अब बारी है आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो हॉल है उसके अंदर की तस्वीरें दिखाने के लिए। और जैसे मैं यहाँ से निकला हूँ ये वो सिक्योरिटी दरवाजे हैं, फिलहाल अभी इनका एक्सेस सबको दिया गया है, लेकिन जब कुछ विशेष आयोजन होंगे तो आप अपने कार्ड, अपने बोर्डिंग पास या एक्सेस कार्ड को यहाँ से स्कैन करके ये दरवाजे खुलेंगे, आप यहाँ पर अंदर जा सकते हैं। जाहिर है सुरक्षा ऐसी जगहों पर सबसे बड़ी चुनौती होती है, तो उनकी व्यवस्था ऐसी की गई है कि जो लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी ना हो और वो हर चीज़ देख पाएँ। अंदर आपको लिए चलते हैं। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे वो सबसे ख़ास है, अब जैसे हम इस कमरे के अंदर आए हैं ये शुरुआत का एक हिस्सा है, वीडियो वॉल दिखाई पड़ती है और वीडियो वॉल में ज़्यादातर जो अलग अलग सरकार की योजनाएं हैं उससे जुड़ी हुई, अब चूँकि विश्वकर्मा स्कीम किन लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है उस तबके से जुड़ी हुई, जिसमें कला है,
कारीगरी है और उन्हीं सब की एक छवि आपको हिंदुस्तान की नक्काशी की हो, कारीगरी की हो, वो यहाँ दिखाई पड़ती है, तो बहुत शानदार है। मतलब आपको वो 3D तीन डायमेंशन लुक वाला ये दिखाई पड़ता है। तो जैसे आप यहाँ से निकलते हैं तो सब कुछ लगता है कि आप वाकई में दुबई में या फिर कहीं सुदूर किसी ऐसे देश में आए जहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएँ बहुत पहले से चली आ रही हैं। तो आपने यहाँ का लुक देखा, अब आपको कन्वेंशन हॉल अंदर से कैसा दिखाई देता है वो दिखाते हैं। अरे वहाँ से शुरू करूँ, चूंकि पब्लिक तो रहेगी। गुरु शिष्य परंपरा दरअसल कारीगरी में भी बहुत कारगर होती है। पुश्तैनी आर्ट हो या जो हमारी कारीगरी हो, वो एक से दूसरे को मिलती रहती है। तो आप जिससे सीखते हैं वो गुरु है। तो अब जो कि ये योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की है विश्वकर्मा योजना, उसके बाद उसका सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कन्वेंशन सेंटर में। यानी हिंदुस्तान के हर कोने कोने पर जितनी नक्काशी है, जितनी कारीगरी है, जितनी कला है, जो भी कौशल है और उसके ज़रिए कैसे लोग रोज़गार कमाते हैं, उसकी सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, सुनार गोल्डस्मिथ। अब हिंदुस्तान में सुनार कौन नहीं जानता, हर किसी के घर में गहने आते हैं और उसको बनाने वाले जो लोग हैं उनके अंदर विशेष दक्षता होती है। हाथों में कौशल हो तो उसके ज़रिए रोजी रोटी कमाना, आजीविका कमाना सबसे आसान हो जाता है। मैसूर दरअसल वो हिस्सा है कर्नाटक का जहाँ का ये जो वुड क्राफ्ट है, ये स्किल्स जो हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और आप सोचिए कि वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले है। तो यहाँ पर देखिए कि वैसे तो राजो रजवाड़ों के समय से इनका इस्तेमाल होता रहा, लेकिन आगे ऐसी कलाकृतियों का इस्तेमाल घरों में होता है। जब आप मंदिर बनाते हैं आप घर में उनको रख सकते हैं। अलग अलग कारीगरी जो है उसका नमूना आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और उसमें भी हालांकि अब इस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल इस पर बैन हो चुका है। ये है रेड सैंडल। आप कुछ अगर कर्नाटक की बात होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तस्करी होती थी कर्नाटक में। और ये चंदन मैसूर अपनी कला के लिए, हस्तकला जो उसकी है वो बहुत मशहूर है। यहाँ तक लाना और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, आपको लगता है इस जगह से उसको एक बड़ा फ़ायदा मिल सकता है? डेफिनेटली 100% मिलेगा सर फ़ायदा, क्योंकि जिस जगह ऐसी जगह कुछ रिमोट एरियाज हैं हमारे मैसूर से, ट्राइबल्स एरिया हैं, रूरल हैं, जहाँ पे लोगों को वो चीज़ों की स्कीम के बारे में जानकारी नहीं होती। तो वहाँ से लोग कई आर्टिजन्स आए हैं यहाँ पे, आके यहाँ पे उनको मालूम हुआ कि ये स्कीम का कितना बेनिफिट है। वरना तो लोन का तो आपको मालूम है, लोन बोले तो आप सोचते हैं यार ब्याज में कौन लेगा ये लेगा, लेकिन इसमें ये स्कीम में सबसे अच्छी बात ये है कि आर्टिजन्स लोगों के लिए सिर्फ 5% ब्याज साल का एक बेनिफिट वो है। आमतौर पर 8-9% से ब्याज पे लोन मिलता नहीं, हाउसिंग लोन तक बहुत ज़्यादा। और आप सोचिए कि इस तरह के कारीगर हैं, उन्होंने कुछ बना लिया, कुछ अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो इस विश्वकर्मा योजना कहता है एक तो कम दर पर लोन मिल जाएगा, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं और फिर ऐसे किसी पवेलियन में अगर आप अपनी दुकान लगाते हैं तो मैसूर की वो कलाकृति, मैसूर का वो आर्ट, वो नमूना और ये खूबसूरत तस्वीरें ये दुनिया भर तक पहुंच सकते हैं। आप सोचिए कि न सिर्फ मैसूर की कला पहुंचेगी बल्कि जो लोग इससे जुड़े हैं वो एक गाँव से 10 गाँव, 10 से 100 गाँव, हर किसी के हाथ में आय आने लगेगी। अब मैसूर से आपको सीधा उत्तर पूर्व लिए चलते हैं, नागालैंड। बैम्बू क्राफ्ट बहुत मशहूर, और आप देखिए उसकी भी चीज़ें यहाँ पर जो है उसकी एक झलक दिखाई पड़ती है जो उन कलाकृतियों से बनाई जाती हैं हस्तकला के चलते। ये क्या बना रहे हैं आप इससे? चटाई है। चटाई बना रहे हैं, अरे उसी चटाई पर लगभग हम खड़े भी हैं। समझिए एक तो इंसुलेटर अच्छी होती है, घर में इस्तेमाल होती है, सजावट के तौर पर काम आ सकती है। और उसके साथ साथ ये क्या चीज़ें बनाई हैं आपने? ये ग्लास कप है, ये बैम्बू का है, किस चीज़ का है? बैम्बू का है आपने। और इस एक कप की कीमत कितनी है? 50 रुपया। सिर्फ 50 रुपये में, एक तो इको फ्रेंडली है, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, घर में इस्तेमाल करो। देखिए अगर आप मेहमान आते हैं इससे बेहतर ये भी अपने आप में देखने की चीज़ है, वहाँ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। अब ये सब कुछ भी यहाँ मिलने लगा, आइए ज़रूर आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। अब मैं सबसे बड़े ताले की दुकान पर बैठा हूँ, कितना वज़न होगा इसका? 5 किलो से ज़्यादा ही होगा। लग भी रहा थोड़ा भारी भारा। ये लगता कहाँ है ताला, कहाँ इस्तेमाल होता है ये? कहीं भी लगा लें। पहले होता था ना बड़े बड़े हवेलियों में। ये कितना सुरक्षित होता है ये ताला? बहुत मतलब इसको कोई काट नहीं सकता। तो कहाँ से आए हैं आप लोग अपनी कला का प्रदर्शन? अलीगढ़ से आए हैं। अलीगढ़ तालों के लिए मशहूर है, अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर हैं। और इसीलिए आप देखेंगे डिस्प्ले पर एक तो कितना बड़ा डिज़ाइन लगा रखा है, मुझे नहीं पता इतना बड़ा ताला देश में पहले कभी बना होगा, लेकिन हाँ कुछ ज़रूर मैं देख रहा हूँ वो ये है, वो काफ़ी बड़ा है। और आप समझिए मुझे चाबी देख रहे, देखिए आप सोचिए इस चाबी का जो ताला होगा
वो कितना बड़ा होगा। तो कला के नाम पर देखने के लिए भी बहुत कुछ है, और ख़रीदारी करने आप अगर आना चाहते हैं तो जाहिर है बहुत कुछ डिस्प्ले पर है। यहाँ पे घर बनाने में बुनियादी ज़रूरत है ईंट की, और वो ईंट भी यहाँ एक्सपो सेंटर में रखी गई। आपको लगेगा ईंट में क्या खास है, ईंट में कुछ तो ऐसा खास है जिसे देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ खुद आए थे। अभी राजस्थान की टीम है, क्या खास है आपकी ईंट में? बढ़िया है, जिनके ईंट में क्या स्पेशल है? ईंट में वो पुराना ईंट है, उससे बनने लगा है, वो पुराना होगा ना। अभी जरा ये स्मूथ का बने ईंट। अभी कहाँ से आए आप लोग? हम तेलंगाना से आए, इन झारखंड से। तेलंगाना और झारखंड की टीम है। देखिए इस ईंट से जो डिजाइन बनाया गया है, आपको लग रहा हो कि ये खोखला होगा, लेकिन इसमें खासियत, और खासियत क्या है बताइए मुझे। ये है जो सर अपनी खासियत, इसमें पहली बात ये पकड़ इसकी अच्छी है, और ये पूरी थिकनेस में आती है। ये 4 इंची होती है, 3 इंची मोटाई होती है, और 9 इंची की थिकनेस होती है। इसमें क्या है, ये हमारा लगाने से ना तो हमारा प्लास्टर करना पड़ेगा, आउटर का जो हमारा सीलन है वो खत्म होता है। इसे इसको लगाने से इसकी पकड़ भी अच्छी होती है, क्योंकि हम जब रखते हैं नॉर्मल जो हमारी टाइल होती है उसमें पकड़ नहीं होती, जो हमारी ये इसमें ग्रिप जो दी है ये कारण इसका है। आप सामने देख सकते हैं ये जो काम हो रहा है। सामान्य ईंट जो है उसके मुकाबले ये महंगी होती है? हाँ, उससे ये महंगी होती है, लेकिन लाइफ किसकी ज़्यादा, पुरानी ईंट की ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा है, ये प्रेस है और इसमें मजबूत, और मेटल भी इसमें अच्छा डलता है। अब उससे क्या होगा जब आप इस ईंट से घर बनाते हैं, ये कहते हैं कि जैसा प्लास्टर गिरो, देखिए हमने कई देशों में देखा वहाँ पर बड़ा रॉ थीम रखी जाती है, और वो ऐसी दीवार है कि आप, हाँ इस पर आपको प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में एक अलग फिनिशिंग देती है। कुछ तो खास था जो प्रधानमंत्री देखने आए थे, क्या क्या बातें हुई उनसे? बस सर ऐसे ही वो कह रहे थे ये क्या है, ऐसे बताएंगे, हाँ बताया, सब कुछ बताया वो, करे इसको आगे फिर लेके आएंगे। मैंने कहा हाँ सर आगे लेके आएंगे, अभी नया है तो प्लास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आम आदमी इसको लगा सकता है। ये ईंट पर प्लास्टर का खर्चा बच जाएगा, प्लास्टर का खर्चा बच जाएगा और जल्दी हो जाएगा इससे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं किसी मोटरसाइकिल पर बैठ गया हूँ, बेवजह नहीं है। दरअसल इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जो मोटरसाइकिल मुझे दिखी है ये बहुत खास है। पीछे आप गाड़ी देख रहे होंगे, इसमें कोई आइसक्रीम वगैरह नहीं बेची जा रही, इसमें दरअसल कुछ है तो वो है जूता बनाने की टेक्नोलॉजी। अब उसमें भी कुछ खास है क्या, जूते तो बनते रहते हैं, तो ये क्यों खास है? ये गाड़ी पर आप जूते अगर देख रहे हैं, मशीनें देख रहे हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा क्या लगता है? वो खादी जो भारत सरकार का एक सबसे बड़ा मिशन है, खादी बताइए मनोज कुमार जी, ये गाड़ी जूता ये स्टैंड क्या है? ये अभी तक हमारे ये कारीगर जमीन पे बैठ के कहीं काम करते थे, अब माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पीएम विश्वकर्मा स्कीम के माध्यम से आज इन सब लोगों इस छोटे से धंधे को व्यवसाय में बदलने का एक अवसर मिला है। इसके माध्यम से ये लोग अब पूरे शहर में घूम घूम के इस काम को कर सकते हैं, अब इनको कहीं एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। जूते की मोबाइल शॉप नहीं है, मोबाइल फैक्ट्री है। मोबाइल फैक्ट्री है ये, मोबाइल फैक्ट्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो हमेशा हमारे कारीगरों की चिंता करते हैं कि हमारा कारीगर कैसे और सशक्त हो। पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से जो कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब हमारे कारीगर अपने उत्पादों को लोकल के साथ साथ ग्लोबल बनाएंगे, यानी आगरा से लेकर के त्रिवेंद्रम तक जा सकते हैं। क्या क्या बनाएंगे, कैसे कैसे, किस तरह के जूते बनाएंगे? सर जितनी टाइप के जूते रिपेयरिंग हो सकते हैं, पहले तो रिपेयरिंग हो सकते हैं इसके, अगर आप कोई नया मॉडल बनाना चाहते हैं तो इसमें देखिए ये नया मॉडल भी आप बना सकते हैं, नया इस गाड़ी पर रख के नया मॉडल बना दिया है। हाँ, इस गाड़ी पर रख के, और इसके अंदर इतने टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं कि आप नया भी बना सकते हैं इसमें। क्या क्या, किस तरह के टूल्स, किस तरह के टूल्स? देखो टूल्स इसमें दिखा रहे हैं, शायद ये अभी बन रहा है, ये अंडर मैन्युफैक्चरिंग है अभी शायद। हाँ सर, ये क्या है कि अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो यहाँ से सारे टूल्स इक्विपमेंट्स हटा दिए गए थे, ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पर नया भी जूता बना सकते हैं, पुराने की रिपेयरिंग कर सकते हैं, किसी भी टाइप का हो, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर सांचा, ये प्रेस मशीन, ये स्टिचिंग मशीन काफी, हाँ, और ग्राइंडिंग मशीन है, हवा वाली मशीन है भी, और इसमें अंदर जब हम जूता 8 घंटे पहनते हैं तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि जूते के अंदर कितनी गंदगी है, क्योंकि हम लोग पैरों से ऊपर टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन पैरों पे खड़े हैं उन पैरों के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा कि इन पैरों के अंदर कितनी गंदगी पैदा होती है। हमारे पास वो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं कि उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारे 8 घंटे में कितनी गंदगी है हमारे पैर में। ये कि जो जूते मैंने पहने, इस तरह के जूते खरीदने के लिए शोरूम पर ऐसी गाड़ियां दिख जाएंगी, बनाने वाले भी मोबाइल हो चुके हैं।